तो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ जावास्क्रिप्ट की नई क्लास लेकर। जावास्क्रिप्ट की अपनी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कुछ और ऑपरेटर्स। अगर आपको याद हो तो इससे पहले की कुछ क्लासेस में मैंने आपको कुछ ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में रिमाइंडर ऑपरेटर और इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी कल का ही प्रोग्राम ओपन कर लिया है और इसका आउटपुट हम हमेशा की तरीके यहाँ पे देखेंगे बगल में। अगर अभी मैं यहाँ पे इसको सेव करा दूं और सेव करा के अगर मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊं ओपन विद लाइव सर्वर, तो आप इसका यहाँ पे रिजल्ट बगल में ही देख सकते हैं। सॉरी, एक बार मैं फिर से दोबारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं मान लीजिए 50 डाल के इंटरफेस करता हूँ, तो ये हमने कल डू वाइल लूप देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए हम जावास्क्रिप्ट में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। चलिए, अब चूंकि हमें यहाँ पे ऑपरेटर्स ही देखने हैं, तो मैं फिलहाल डू वाइल लूप को यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं कंट्रोल ए करके इसको कंट्रोल एस करके सेव करा लेता हूँ। अब आपने देखा यहाँ पे साइड से वो चीज़ें हट गई हैं। चलिए अब समझते जाते हैं और हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका रिमाइंडर टूल, जिसका आपका सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं मॉडुलस का है, लिखा हुआ इस ऑपरेटर की सहायता से हम शेष फल निकालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो दो संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, वैसे ही आपका एक रिमाइंडर ऑपरेटर है। ये क्या करता है, जब हम किसी एक संख्या को डिवाइड करते हैं किसी दूसरी संख्या से, और अगर वह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता तो क्या होता है, जो भी उसका आंसर आएगा, शेष फल आएगा इनफैक्ट, उसे हम निकालेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर की सहायता से। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम यहाँ पे छोटा सा बनाया गया है, ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 10। अब अगर हम 15/10 करते हैं तो क्या होगा, पूरा नहीं डिवाइड होगा, 5 बच जाएगा। तो जो सी है उसका मान क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 15/10 होगा, तो जब हम 10 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 शेष में बच जाएगा। तो जो शेष पर आएगा वही हमारा मॉडुलस की सहायता से हम निकालते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो जैसे कि प्रोग्राम में दिखाया गया वैसे हमारा यहाँ पे वेरिएबल ए है। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू मैं यहाँ से मान लेता हूँ, मैं यहाँ से ए की वैल्यू कुछ भी दे देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 55 दे देता हूँ। चलिए इंटरफेस कर दिया। अब मैं यहाँ से एक बी वैल्यूएबल मान लेता हूँ, वेरिएबल बी, ठीक है, और मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ से डिक्लेयर कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 16, ठीक है, इंटर कर दिया। अब मैं वेरिएबल सी का मान निकाल रहा हूँ यहाँ से, वेर सी, ठीक है, जो कि है क्या एक्चुअल में, कहते हैं उसको हमें निकालना है ए एंड मॉडुलस का सिंबल लगाना है आपको और आपका बी, यानी ए और बी का भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वो सी का मान हो जाएगा। अब हम सी का मान प्रिंट कराएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट एंड देन डॉट राइट कर देता हूँ और मैं सी का मान प्रिंट करा देता हूँ, ये हमारा सी का मान प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल यहाँ से सेव कराऊंगा। अब सेव कराने से क्या रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं यहाँ से, ये आपका रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 आया, क्यों आया है, आप 16 का भाग दीजिए 55 में, तो 16 48 आ जाएगा आपका, 48 से आप 55 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसका मान चेंज करके भी देख सकते हैं, मान लीजिए मैं इसका मान कर देता हूँ 40। अभी मैं सेव करता हूँ, इस बार 8 आ रहा है, चूँकि 16 दूनी 32 में अगर आप घटाएंगे तो 8 फिर भी बच जाएगा आपका। तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष फल बचता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम मॉडुलस सिंबल का यूज़ करते हैं या रिमाइंडर सिंबल का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में अगर हमें शेष फल निकालना हो। चलिए हम अगले की बात करते हैं, अगला वाला कौन सा है, तो अगले वाले की बात करें एक्सपोनेंशियल है। अगर आपको घाटे चढ़ानी हो किसी संख्या में और वो निकालना हो, तो वो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ऑपरेटर की सहायता से हम किसी संख्या की घात निकालते हैं। जैसे एक ए है वेरिएबल जिसका मान 2 है और बी है 3 है। अब ए एक्सपोनेंशियल बी, इसका मतलब क्या हुआ, 2, क्योंकि ए के ऊपर बी चढ़ाया गया है 2 और इसकी घाते आपको 3 चढ़ा देनी है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2^3, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2^2 = 8, यहाँ पे रिजल्ट 8 आ गया है। कैसे करते हैं लाइव चले करके देखते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे पास जो ए का मान है मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, 4 कर दिया मैंने, और बी का मान भी मैं छोटा कर देता हूँ, तो मान लीजिए मैं कर देता हूँ इसको पहले 2 करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से बीच वाला सिंबल हटाएंगे, ये हमें इसकी जगह पे लगाना है एक्सपोनेंशियल का सिंबल, यानी 2 स्टार, और हमें इसको सेव कर लेना है, दैट्स इट। हमने सेव किया, अब रिजल्ट क्या आया है चलिए वो देख लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट आया 16, क्यों आया, 4 × 16, 4 × 2। अब अगर यहाँ से मैं 3 कर दूं तो 4 × 3 हो जाएगा, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो 4 × 16 = 64 हो गया आपका। अगर आप चाहें तो 4 का मान बदल दें,
लाइक मैं यहाँ से आर्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका 500 बाहर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जावास्क्रिप्ट में अगर आपको रिमाइंडर निकालना है या आपको एक्सपोनेंशियल निकालना है, घाती निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।